नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज है 13 मार्च 2020 और समय हो चुका है दोपहर के 12:30। बिल्कुल अभी अभी तीन नए नोटिस जारी किए गए हैं DSSB की तरफ से। तो इन तीनों नोटिसों को हम बिल्कुल विस्तार से देखें। उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको लेटेस्ट DSSB के अपडेट के साथ साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों नोटिसों को बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल अभी अभी जारी किए गए हैं DSSB की तरफ से। ये देखिए आज का पहला नोटिस। सभी नोटिसों पे आपको डेट आज की ही दिखाई देगी, 13 मार्च 2020, नोटिस नंबर 976, फील्ड असिस्टेंट इन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, पोस्ट कोड 7/17। तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 30 अक्टूबर 2019 को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। टोटल 2274 कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया था। तो अब इन सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं DSSBonline.nic.in पे। ये कैंडिडेट अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। टोटल 39 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिन्हें अब ईडोजियर अपलोड करना है रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। कट ऑफ रही है इस प्रकार से, अनरिजर्व 136.94, ओबीसी 127.75, एससी 125.75, एसटी 99.25 और एक्स सर्विसमैन की 87.24। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, इन्हें ईडोजियर अपलोड करना होगा और समय दिया जा रहा है ईडोजियर अपलोड करने के लिए 20 मार्च 2020 से और 4 अप्रैल 2020 तक का। अब चलते हैं आज के अगले नोटिस की तरफ। ये देखिए डेट आपको आज की ही दिखाई देगी, 13/3/2020, नोटिस नंबर 974, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 इन दिल्ली जल बोर्ड, पोस्ट कोड 6/17 की भी कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो इसका भी काफी इंतजार कर रहे थे कैंडिडेट्स। टोटल इसमें 52 वैकेंसियां थी, 869 कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया 27 नवंबर 2019 को। अब इन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं DSSBonline.nic.in पे। कैंडिडेट अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। बाकी ई डोजियर अपलोड करने के लिए कट ऑफ इस प्रकार से है, अनरिजर्व 80.50, ओबीसी 71.75, एससी 61.5, एसटी 63, फिजिकली हैंडीकैप्ड ओएच की 64.50। और ई डोजियर अपलोड करने का लिंक एक्टिवेट रहेगा 20 मार्च 2020 से और 3 अप्रैल 2020 तक। अब चलते हैं आज के तीसरे नोटिस की तरफ, नोटिस नंबर 975, वेटनरी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, पोस्ट कोड 92/14 से जुड़ा हुआ है। डेट आज की ही है, 13/3/2020। तो यहाँ भी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। टोटल 69 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था 19 नवंबर 2019 को। अब इन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। कैंडिडेट अपने अकाउंट में लॉगिन करके मार्क्स चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए हैं, पासिंग मार्क्स ले पाए हैं, जो कि है अनरिजर्व कैटेगरी से 81 नंबर। बाकी जो ये एक कैंडिडेट है, इनका ईडोजी अपलोड करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 20 मार्च 2020 को और एक्टिवेट रहेगा 3 अप्रैल 2020 तक। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट आप तक पहुंचाने थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। बाकी DSSB की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।